और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइज, आप थोड़ा ये नथिंग ब्रांड से देख के बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आपका कुछ दिक्कत हो जाए, जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है वो बहुत ही दिक्कत वाला है। अगर आपने मैंने जैसे एंग्जाइटी और एकदम हैप्पीनेस में, और जो रहता नहीं कुछ नया सामान आने से, हाँ जल्दी खोल के देख, जल्दी खोल के देखना। मैं कलर भूल गया था एक्चुअली, मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था, व्हाइट ऑर्डर हुआ है। और उसके बाद जब मैं रिप्लेसमेंट उनसे मांग रहा नथिंग वालों से, तो बोलते हैं, और नथिंग फ्लिपकार्ट से मांग रहा था, क्योंकि फ्लिपकार्ट डायरेक्ट तो बोले कि भैया हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी था, आपको पहले बताना था। अरे यार, हम कुछ गलती अगर हमसे हो गया, ये ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला बहुत ही स्कैमी सिस्टम है। एक तो कंपनी ने गलत दिया, उसके बाद फ्लिपकार्ट बोलते हमने आपको दिखाया था, आप ये गलती मत करना भैया, कुछ ओपन बॉक्स डिलीवरी होगा ना, प्रॉपर एक वीडियो बना लेना, जैसे बहुत लोग बनाते हैं आई नो, लेकिन मेरे को ये मेरे साथ पहली बार हुआ है यार। और अगर हाँ, एक ओपन बॉक्स के बाद अगर हल्का सा भी कुछ हुआ और आप रिप्लेसमेंट मांगोगे तो बिल्कुल नहीं देंगे वो लोग। मेरा तो स्पीकर फट रहा था, तो मैं बोला मेरे को वो दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं। अब बोलते आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी, मैं बोला यार कम से कम तुम लोग जो गलती की उसको तो सुधार दो, किसी को कुछ तो करो, कुछ भी नहीं मिला। अब मैं सर्विस सेंटर जाके देखता हूँ क्या मेरे एक्सपीरियंस में, आपको बताऊंगा नथिंग के साथ जो, और उनका तो कोई प्रॉपर सर्विस सेंटर है नहीं नथिंग का। यही चीज मैं समझाता हूँ आप लोग को, लेना है तो कोई सही ब्रांड का लो। अब नथिंग कंपनी अच्छी है, अब इतना अपना नाम बनाई है फोन, नथिंग फोन ईयर के साथ, सबके साथ ईयर 1 2 और जो स्टिक है उसके, देखते हैं इसका क्या हाल है, CMF बर्ड फ्लू का वहां जाके पूछते हैं। तो ये ऐसा कुछ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। क्या हाल है गाइस, आप लोग क्या होप सब अच्छे होंगे। गाइस फाइनली मैं अभी मैक टेस्ट कर रहा हूँ ये CMF बर्ड्स का, जैसे आपको दिख रहा है मेरे इस पे रखा हुआ है, तो नहीं इस पे लगा ही हुआ है। तो गाइस इसमें तीन तीन माइक है पर ईयरबड, मैं एट ए टाइम आपको पता है कि एक साइड का ही माइक यूज़ करेगा, आइदर राइट आइदर लेफ्ट, तो अभी इसी से वॉइस में रिकॉर्ड हो रहा है। यूजुअल रूम वूम में तो सब अच्छे से ही आपको वॉइस पता चलने वाला है, मतलब आप जिसे भी बात करेंगे विदाउट फैन के तो सब अच्छा ही करता है, सिंगल माइक वाले भी अच्छे ही करते हैं, जो प्रॉब्लम हो तो बाहर होता ही है। देखते हैं फिर आगे जाके मैं बाहर में भी टेस्ट कर दूंगा, फिलहाल तो अभी रूम में आपको कुछ इस तरीके से ही सुनाई देने वाला है इस CMF बड्स प्रो के माइक से। ओके तो चलिए यहाँ पे फैन वैन का टेस्ट करते हैं, विंड के नॉइस थोड़ा क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, और लाउड वॉइस में भी मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको कि कैसा, अगर आप जिम में रहोगे तब बात हो पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि जनरली ट्रिपल माइक वाले अच्छे से फिल्टर कर लेते हैं ENC को, बैकग्राउंड के नॉइस को, मतलब लाउड वॉइस को, ठीक है। ओके गाइस तो फिर चलिए अभी मैं फैन चालू करता हूँ। सो गाइस ये यहाँ पे हमारा फैन आ चुका है और ये मैं अभी फुल में स्टार्ट कर रहा हूँ, और देख सकते हैं पूरा पसीना है मेरे चेहरे पे टूटा एकदम। ओके अभी कुछ इस तरीके से अभी मैं सामने ही खड़ा हूँ इसके, तो ईयर्स पे तो मेरे कुछ पता नहीं चल रहा है। और हाँ, और वैसे इसमें विंड नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी भी है, तो अभी फिलहाल देखिए कुछ देखते हैं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, ऐसा कोई बटन डेडिकेटेड टॉगल बटन दिया नहीं गया है इसमें कि आप विंड नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी को ऑन करो ऑफ करो, जैसे रियलमी बड्स 5 और 5 प्रो में है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ, इसमें सब ऑटोमेटिकली होता है। अभी तो आपको इस तरीके से सुनाई देगा, थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ, देखता हूँ माइक वाइक किधर कुछ ऐसा आ रहा है क्या, अभी आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो देखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल कुछ सुनना चाहता हूँ। अभी देखते हैं ऐसा कौन सी इसको कैसा परफॉर्म करता है। ओके तो गाइस ये माइक टेस्ट है नथिंग CMF बड्स प्रो का, और गाइस ये माइक टेस्ट है नथिंग बड्स CMF बड्स प्रो का। ओके तो कुछ इस तरीके से आपको सुनाई देगा अगर फैन वैन के डेली सिचुएशन में अगर आप रहोगे तो। चलिए अभी ऊपर का फैन भी मैं स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस ऊपर का भी फैन चालू होगा, जैसे कि अभी आपको पता चल रहा है यहाँ से भी हवा आ रहा है और यहाँ से भी हवा आ रहा है पूरा। ट्रिपल माइक सेटअप है, अब मुझे लगता है कि अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, ट्रिपल माइक वाले अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, अच्छा सा एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन हो भी जाता है। तो गाइस ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है नथिंग के CMF बड्स प्रो से। ओके तो अभी फैन अभी मैं इसके नीचे ऐसे खड़े रहूँ और अगर ये पूरा देखो आप लोग से बात करके देखते हैं एडिटिंग के समय कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसको कि बाहर जाने से शायद पता चले, बाहर टेस्ट करना होगा ये मैं अभी तो फिलहाल यहाँ से टेस्ट कर रहा हूँ, इतने देर से खड़ा ही है ये उसमें कुछ आ नहीं रहा है, देखते हैं क्योंकि एक माइक ऊपर है तो शायद विंड के पास कैप्चर करे वो भी हो सकता है, एक माइक ऊपर और एक माइक नीचे देखते हैं। ओके चलिए अभी बैठ के देखते हैं, जैसे अपन डेस्क में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हो, अपन जनरल काम करते हैं, बात करते हैं लैपटॉप के सामने बैठ के, ठीक है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं नीचे बैठा ही हूँ, यहाँ फैन के पीछे यहाँ से पूरे एकदम आ रहे हैं मेरे को विंड के नॉइसेस, पूरे आ रहे हैं ईयर्स भी आ रहे हैं पूरा, देखता है एक मिनट निकाल के, हाँ काफ़ी तेज है। ओके पूरा अभी जो भी है मेरे को एकदम आ रहा है विंड पूरा सुनाई दे रहा है फिलहाल तो। अच्छा हाँ नॉइस कैंसिलेशन चालू करते हैं, अब चालू हो गया, अब होगा विंड नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी चालू, क्योंकि अब मेरे को विंड के नॉइस चालू हो गए हैं सुनाई देना, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो गाइस मुझे लगता है कि बाहर में ही चालू होने वाला है, थोड़ा और जोर से इनको मैं पास करवाता हूँ, अब देखते हैं इतने में होता है क्या चालू नहीं चालू वाला नंबर। अच्छा वो तो हम बाहर जाके देखेंगे चालू होता है कि नहीं, दिया हुआ है जनरली बोला था कि विंडो रिडक्शन टेक्नोलॉजी है, देखते हैं क्या सर परफॉर्म करता है। फिलहाल तो अभी आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा रूम में, आप ऐसे बिटेस में बैठ के काम भी करेंगे और ऊपर फैन वैन चल रहा है मेरे विंडो नॉइस यहाँ पे, मेरे को सुनाई दे रहे हैं ऑफ करता हूँ नॉइस रिडक्शन।
ओके अभी ट्रांसपेरेंसी मोड आ गया है पूरा एकदम ओके विल दैट सिलेक्शन चालू ही नहीं हुआ है इसमें पर चालू नहीं ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से सुनाई देगा आपको नथिंग सीएम है बड्स प्रो के माइक से अगर आप फैन में सिचुएशन में ऐसा रहोगे तो और कुछ चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और आप कुछ बात भी कर सकता हूँ देखते हैं एडिटिंग के समय कुछ फर्क पड़ता है क्या। ओके गाइस ठीक है। सो गाइस ये माइक टेस्ट था इंडोर में सीएमएफ नथिंग सीएमएफ बड्स प्रो का और इसमें ट्रिपल माइक सेटअप है एक ऊपर एक नीचे और एक अंदर साइड में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इसका माइक कैसे रूम में विंडी सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है। ओके मैं अभी एडिटिंग करूंगा तभी मेरे को समझ में आएगा आगे देखते रहेगा बाकी टेस्ट भी रहेंगे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। हेलो गाइस तो ये माइक टेस्ट है नथिंग सीएमएफ बड्स प्रो का पूरा धूप है चलो आग लग रहा है शरीर में ऊपर से ब्लैक पहन के निकल गया मैं बाइक में राइड करते हैं। चलो ये राइडिंग टेस्ट है तो देखते हैं थोड़ा कैमरा वैमरा शेक होगा तो थोड़ा कंसिडर करिएगा। ओके अभी कितने की स्पीड में होगा ये 20 की स्पीड में होगा और ये देखिए कितना 30 30 की स्पीड में हम चला रहे हैं लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। बोला ये माइक टेस्ट है नथिंग सीएमएफ बड्स प्रो का स्पीड अभी 35 है मेरा और पूरा तो बैंड चला मेरे इयर्स पे आ रहे हैं सुनाई दे रहे होगा रेडियो के थ्रू मुझे पता चलेगा कि भाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है देखते हैं एक बार से चला रहे हैं पर ये नहीं करते 30 का स्पीड हो गया। हाँ चलो गाइस अभी करते हैं वापस से टेस्ट जो मेरा स्पीड अभी 45 है ना 45 के बाद चलिए मैं और रिकॉर्डिंग में देखता हूँ कैसा ये परफॉर्म कर रहा है अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसा कर रहा है करके। ओके ये नथिंग है ना नथिंग उसका सेम ब्रांड का है बस प्रो का ये माइक का सेम आवाज आ रही है आ रहा है 34 है 35 की स्पीड में आ रहा है विंग्स के भी आ रहे हैं आपकी भी वॉइस आ रही है इनके नाम से आ रहे हैं आ रहे हैं जोर जोर से थोड़े 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 अभी भी आ रहे हैं क्लियर है मेरा वॉइस क्लियर है क्लियर है कैसे है क्लियर है क्लियर है आ रहा है आ रहा है आ रहा है हाँ इतने स्पीड में थे 60 की स्पीड में थे आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मतलब बात हो जाएगा विदाउट हेलमेट से बात हो जाएगा लास्ट एक ट्राई करते हैं थोड़ा सा बता दो अभी स्पीड कर हेलो हेलो आ रहा है लेकिन डिस्टर्बेंस है अभी तो अभी आया ना डिस्टर्बेंस तो अभी ठीक है मतलब ये 30-40 के स्पीड में काम करेगा 40 लेके जाते हो ना अभी आ रहा है आ रहा है अभी अभी ठीक है आ रहा है ठीक है नहीं अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन सो गाइस अभी जो आप मेरा आवाज सुन रही है मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है अभी कोई भी ऐसा मैंने ईयरफोन्स लगाए नहीं है अभी इसी के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है आपको दिखाना चाहता था कि ये कैसा सुनाई देगा। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सुनाता हूँ कि कितना लाउड है मतलब अभी एम्बियंस क्योंकि मैंने जिम में इसको टेस्ट किया था तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्या बैकग्राउंड के नॉइज़ ज़्यादा आ रहे थे तो मेरा आवाज़ बहुत ही कम जा रहा था वैसा टाइप का हो रहा था। तो फिलहाल अभी वही टेस्ट करने वाले हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है मतलब मैं दिखाना चाहता था कि इतने लाउड नॉइसेस में भी कैसे परफॉर्म करना चाहता है क्योंकि मेरे को खुद देखना था क्योंकि जब मैं कॉल पे था तो जिससे भी बात कर रहा था वो बोला कि यार धीरे आवाज़ आ रहा है तेरा तो अभी मैं वही चीज़ देखने वाला हूँ। ओके एज यूजल आपको पता ही कि मेरा इसी में टेस्ट होता है यहीं पर मैं अपने बाजू में ही रखा हूँ इसको स्पीकर MS के। ओके अभी जैसे आप सुनाई दे रहा होगा अभी आप लोग को ये है अभी 50% वॉल्यूम पे है। ओके तो ये अभी ये देखिए 50 हुआ अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा रहेगा बहुत ज़्यादा भी है मतलब अराउंड मैं देखूँ तो अभी इसमें देखता हूँ मैं DB देख के एक मिनट बताता हूँ अभी जो आ रहा है 77 आ रहा है। ओके तो आपको समझ में आ रहा है 83-85 मतलब अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही आ रहा है। ओके इसको कम करके अभी चलिए मैं ईयरफोन लगाता हूँ
सो गाइस अभी जो आप मेरा आवाज सुन रहे हैं इसी के माइक के थ्रू सुन रहे हैं सीएमएफ बड्स, वो मेरे इस पे लगा जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, तो हम अभी लाउड नॉइस क्रिएट करेंगे बाय प्लेइंग अ सॉन्ग। ओके, और मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा डीबी कितना है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तो 70 to 80 dB जनरली रहता है। ये देखिए अभी जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जैसा अभी आपको दिख रहा है कि 73 75, थोड़ा और लाउड बोलूंगा तो ये 80 तक भी जा सकता है, तभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे सॉन्ग स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम सॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं, ये अभी 50% वॉल्यूम पे। ओके, तो 50% वॉल्यूम पे आपको समझ में आएगा कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ है जिम में मैंने टेस्ट किया था, तो जिम में बोला गया था कि थोड़ा मेरा वॉइस जो है वो कम आ रहा है, तो अभी मैं एडिटिंग देख रहा हूँ इसमें कितना कम आ रहा है। ऐसे में थोड़ा सुना तो मेरे को भी कम लग रहा था कि उसका वॉइस किसमें कम आता है, मेरा थोड़ा कम कैप्चर कर रहा है। फ्री माइक है फिर भी कम कैप्चर, अभी देखे थे ये फोन करता हूँ मैं। ओके, इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ। ओके ओके, तो अभी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जा रहा है ये। तो आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम 90 dB तक जाएगा। तो ये देखते हैं कि 90 dB का वॉइस मेरा कैप्चर, मतलब इसके साथ मेरा वॉइस कैप्चर करता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा आप देख सुन सकते हैं कि कितना जोर से आ रहा है। ओके, मोबाइल में तो आपने सुनना, वहाँ पर मैं SSD चलते रहते तो आपको समझ में आता है। ओके, तो गाइस ये माइक टेस्ट है CMF Buds Pro का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका माइक कैसा परफॉर्म करता है। ओके, काफी लाउड वॉइस है, फिर से मैं लगाता हूँ इसको स्टार्टिंग से वोकल्स, थोड़ा अपन को वोकल्स चाहिए ना, तो वोकल्स भी मैंने नहीं देखा अभी, तो अभी कुछ ऐसा सुनाई दे रहा हूँ आपको, आई होप मेरा आवाज आपको आ रहा। ओके, थ्रूपुट देखते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका माइक कैसा परफॉर्म करता है, इतने लाउड वॉइसेस और बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर आउट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फिलहाल तो मैं एडिटिंग करता हूँ, आप लोगों को तो समझ में आएगा, एडिटिंग के समय ही समझ में आएगा। ओके गाइस, चलिए फिर आता हूँ फिर गाइस। सो गाइस, जैसा कि देखा आपने CMF Buds Pro का माइक काफी अच्छा ही परफॉर्म किया हर एक सिनेरियोज में। आई नो थोड़े विंड के नॉइस आएंगे ही आएंगे, बाकी विदाउट विंड के तो अच्छा ही आएगा। ट्रिपल माइक का सेटअप है पर ईयर, बट टोटल 6 माइक मिलता है आपको। वाइल राइडिंग भी इसका कॉलिंग अच्छा ही। हाँ, स्पीड थोड़ा कम रखेगा 40 तक, ठीक है, आइडियल स्पीड है मतलब राइडिंग का हमारा। वैसे मैं वो नहीं बोलता कि आप रैप बात करते हो राइड कर, फिर भी ईयरफोन अगर आप चाहे तो 40 का स्पीड उसके ऊपर जाएंगे, डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि जो दो माइक से एक ऊपर और एक नीचे है, ओपनली एक्सपोज है, जैसे कि OnePlus Nord Buds 2 में आपको मिलता है, तो इसलिए विंड के नॉइस भी आएंगे, साथ के आपका वॉइस भी कैप्चर करेगा। इवन अगर आप जिम विम में रहोगे, लाउड नॉइस कहीं पे रहोगे, तो मतलब बैकग्राउंड का नॉइस बोल रहा हूँ ना, अगर आपके बाजू में बैठ के कोई बात करेगा और मतलब ह्यूमन वॉइस को फिल्टर आउट नहीं कर पाता है, भीड़ भीड़ में रहोगे, फिर भी बात होना चाहिए मेरे हिसाब से कि इतना अगर लाउड नॉइस को कर दे, क्योंकि हम जैसा भी मैं आपसे बात करी ऑलमोस्ट एक का रहता है ये जो वॉइस अपन बात कर रहे हैं, ये भी फिल्टर आउट करना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड के नॉइस भी आएंगे साथ में अपना वॉइस भी जाएगा। ज्यादा भीड़ में तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ईयरफोन ही है बस। ओके गाइस, सो गाइस आई होप कि ये जो टेस्ट है माइक का आपके लिए जस्टिफाइड हुआ होगा, मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी है। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, इधर तक आगे देख रहे हैं तो बहुत बहुत हेल्प होती है, और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत जरूरत है, और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की लिंक है उससे लीजिएगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जरूरत रहती है। क्या करें, अब इतना सब कुछ लेना पड़ता है तो मेरे को भी तो जरूरत पड़ता है ना, अभी कोई इनकम वैसे भी हो नहीं रहा है इससे, अगर अभी भी मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में ही हूँ, तो आप लोग की हेल्प चाहिए रहती है, आप थोड़ा पुश आउट कर दीजिए, थोड़ा फ्रेंड्स से सब सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ओके गाइस, सो गाइस एज यूजुअल मिलते हैं फिर ऐसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस एंड ऑलवेज बी फियरलेस।